हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बियरिंग। तो बियरिंग क्या होता है? ये एक मशीन एलिमेंट है विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन सो दैट द मशीन ट्रांसमिट डिजायर्ड मोशन। तो बियरिंग क्या है? एक मशीन एलिमेंट है जो दो मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। जो बेयरिंग है वो सपोर्ट एंड गाइड द मशीन पार्ट्स को सपोर्ट और गाइड भी करता है। तो नेक्स्ट उसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन, जो बेयरिंग है दो टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। तो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के अंदर कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आ गए, जैसे प्लेन बेयरिंग हो गया, बुश बेयरिंग हो गया, सेल्फ अलाइंस्ड बुश बेयरिंग हो गया, ये सभी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के अंदर आते हैं। तो जो जैसे बुश बेयरिंग की बात करें तो वो इस टाइप से होती है। तो उसका एक आउटर डायामीटर हो गया, ये इनर डायामीटर हो गया, और जो ये बीच में है ये सॉलिड मटेरियल मेटल होती है। तो जो हमारी शाफ्ट है यहाँ पर शाफ्ट रोटेट करती है। तो जो बुश बेयरिंग होते हैं वो ब्रास, ब्रोंज और सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं। सिलिकॉन मटेरियल के बुश हैं वो ज़्यादातर मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्क्रू के कन्वेयर्स में, कंप्रेसर की कनेक्टिंग रोड में है। तो जो सेल्फ अलाइंस बुश बेयरिंग है वो अगर शाफ्ट के बीच में थोड़ी बहुत मिस अलाइंसमेंट भी हो तो वहां पर हम सेल्फ अलाइंस्ड बुश बेयरिंग को यूज करते हैं। अगर एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है। तो जो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में, जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है वो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। तो इसके जो आगे जो टाइप्स हैं वो हो गया बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग बेसिकली बॉल शेप में होती है और रोलर बेयरिंग सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग के अंदर आ गया सिंगल रो, डबल रो, सेल्फ अलाइंस्ड, थ्रस्ट और एंगुलर कॉन्टैक्ट। तो जो सिंगल रो बेयरिंग में क्या होता है कि एक सिंगल स्लो अपना ग्रूव कटा होता है जिसके अंदर बॉल मूव करती है। डबल रो वाली में दो ग्रूव कटे होते हैं, तो दो ग्रूव कटे होने के कारण इसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है और ये ज़्यादा लोड को कैरी कर सकती है। सेल्फ अलाइंस्ड बेयरिंग में वही है कि अगर थोड़ी बहुत मिस अलाइंसमेंट होती है तो वहाँ पर हम सेल्फ अलाइंस्ड बुश बॉल बेयरिंग को यूज कर सकते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग जहाँ पर हमारा जो लोड है वो परपेंडिकुलर ना लग के पैरेलल एक्ट कर रहा हो, मूविंग जो हाँ जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी रोटेट कर रही है अगर उसी डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स भी लग रहा हो तो वहाँ पर हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग ये हमारा ऑटोमोबाइल के केस में यूज होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा लेस लोड हो, लोड कम लग रहा हो और हाई RPM हमें चाहिए वहाँ पर हम बॉल बेयरिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि पंप और स्मॉल मोटर्स हैं वो हमारे वहाँ पर हम बॉल बेयरिंग को यूज़ करते हैं। तो जो रोलर बेयरिंग है उसके आगे सेल्फ लाइंस आ गया, टेपर आ गया, नीडल, स्पेरिकल। तो जो रोलर बेयरिंग हमने पहले भी बात किया वो रोलर शेप का होता है। तो इसकी जो शेप है इसके कारण ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये जहाँ पर हमें हाई लोड हाई RPM पे ट्रांसमिट करना हो वहाँ पर हम रोलर बेयरिंग को यूज़ करते हैं। आगे डायरेक्शन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग भी हम दो टाइप के बेयरिंग होते हैं, रेडियल और थ्रस्ट। तो अगर हमारा जो लोड है परपेंडिकुलर लग रहा है मूविंग एलिमेंट के, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो वो कहलाती है रेडियल बेयरिंग, और अगर
अलोंग दी जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा लोड लग रहा है तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट बेयरिंग।